नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमित कुमार। आप देख रहे हैं प्रमित टेक इलेक्ट्रिकल चैनल। आज हम लोग बात करने वाले एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा या पूरा देखिए। आपको इसमें छोटी छोटी जानकारी भी दिया हुआ है और इसका कंपोनेंट के बारे में बताया है, तो आपको पूरा देखिए, पूरा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों, ये रहा एसीबी का कुछ कंपोनेंट्स जो ये इम्पोर्टेंट्स होता है एसीबी के लिए। एसीबी को तो आपका डिस्क्रिप्शन में दिखा है। एसीबी मतलब होता है एयर सर्किट ब्रेकर, जो कि एयर प्रेशर के प्रेशर से वो क्या आर्क विंच के होता है, जो कि ऑपरेट होने से इसका जो आर्क है ना ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो आपका हेल्प करेगा कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए। पहले ऊपर से देखिए, लेफ्ट में जो है आर्क शूट लिखा है, आर्क शूट है ना, वो आर्क शूट है। और लेफ्ट में उसका मैं मार्क किया है, देखिए उसमें उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट कंट्रोलर। अगला जो है एसीबी का जो मेन कंट्रैक्टर, जो फिक्स्ड कंट्रैक्टर रहता है और मूविंग कंट्रैक्टर वो है उसका जो और मेन बॉडी है। नेक्स्ट जो है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, जो ऑपरेट करते हैं हम लोग को, सो ऑफ ऑन पुश बटन रहता है। और थर्ड जो लास्ट में जो नीचे वाली है वो हैंडल है, जो हम लोग स्प्रिंग चार्ज करते हैं ना उसके हैंडल है। नेक्स्ट पार्ट हो गया मोटर ड्रिवन एनर्जी स्टोर मैकेनिज्म। ये क्या है, जब हम लोग को ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक चार्ज करना होता है तो ऑटोमेटिक जो पावर ऑफ ऑन होता है तो ये चार्ज हो जाएगा। और इससे ऊपर जो है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ये एसीबी का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है इसमें फिक्स हुआ होता है। उसके ऊपर देखिए साउंड रिलीज है, और इसका ऊपर जो है क्लोजिंग इलेक्ट्रो मैग्नेट है, जो क्लोजिंग कॉयल बोलते हैं उसको। और उससे ऊपर जो है अंडर वोल्टेज रिलीज, और इससे ऊपर सेकेंडरी कनेक्टिंग पार्ट्स। हम अभी लाइव वीडियो देखेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये होता है एसीबी। इसका देखिए अभी नॉर्मली क्या है, एसीबी का पोजीशन ओपन है, ठीक है, क्योंकि ये अभी ऑन नहीं है। और ये जो है इंडिकेशन जो है क्लोज है, ये ट्रिप है। इनकेस कुछ रहेगा ट्रिप होगा तो इसमें इंडिकेशन आएगा। अगर ब्रेकर आपका अगर क्लोज होगा तो ये क्लोज आएगा। अभी फिलहाल ओपन है, इसके लिए ग्रीन इंडिकेशन है, मतलब इसमें अभी पावर नहीं दे रहा है। और ये देखिए आपका एसीबी, ठीक है। ये अभी फिलहाल देखिए इसका जो है, ये जो येलो कलर दिख रहा है स्प्रिंग जो है, ये चार्ज्ड ऑलरेडी है। जब पावर कुछ फेलियर होगा, ये क्या है, ये ब्रेकर जब ऑन करेंगे ना तब ये ब्रेकर ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक चार्ज होता है, मोटराइज्ड ब्रेकर है ना, एसीबी है ना, इसका स्प्रिंग चार्ज करने के लिए रहता है। और ये देखिए इसका सेटिंग्स वगैरह है, ये देखिए ये हो गया इसका लॉन्ग टाइम सेटिंग है, लॉन्ग टाइम डिले, ये हो गया टाइमर, और ये शॉर्ट टाइम डिले है, ये हो गया इसका टाइमर। और ये देखिए ये लैगिंग का है ये सेटिंग्स, और ये हो गया इंस्टेंटेनियस, ओके, जो अर्थिंग को बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग टाइम डिले मतलब ये 80% तक जो लोड हो जाएगा ये 12 सेकंड के अंदर ये करेगा, क्लोज करेगा। शॉर्ट टाइम डिले मतलब ये 40% में कितना सेकंड में, 2 सेकंड में कुछ अगर फॉल्ट दिखाए तो 40% के अंदर में कुछ फॉल्ट दिखाएगा तो 2 सेकंड में ट्रिप होएगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया ब्रेकर सेक्शन। ये सब इंडिकेशन आपने देखा था, इसका पीछे का हिस्सा है, ठीक है, इसको बोलते हैं एसीबी। इसके होते ये चार्जिंग नोब, ठीक है, चार्जिंग नोब है। अभी फिलहाल चार्ज है ना, इसलिए वो फ्री है। जब चार्ज रहेगा ये पूरा टाइट होगा, आपको इसको 6-7 बार आप करेंगे तो ये ब्रेकर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये अभी ऑफ कंडीशन में, ठीक है। ये देखिए इसका ये पूरा ये दिख रहा है, छोटा सा है बाहर से, लेकिन ये जो कैबिनेट देख रहे हैं आप, ये पूरा ये कैबिनेट का अंदर पूरा गया है, एक बड़ा स्टैंड है। इसको बोलते हैं एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर में क्या है, इसमें ऊपर 3 आर्क क्विच रहता है, ठीक है, आर्क का चैम्बर रहता है। जब ये पावर रिस्टोर करेगा ना कुछ आर्क, जब स्पार्क आएगा ना ये ऑब्जर्व करने के लिए, इसके लिए एयर ब्लास्ट भी कहा जाता है,
ठीक है, एयर ब्लास्ट भी कहा जाता है। ये हो गया आपका सेक्शन। ये जो है देखिए, ये जो पॉइंट है ये आपका, ये हैंडल है रैक आउट करने के लिए, ठीक है। ये देखिए रैक आउट करने के लिए हैंडल है, कैसे यहाँ पर डालना पड़ेगा, डाल के आपको हैंडल रैक आउट करने का है, फिर जब वो काम होने के बाद रैकिंग करेंगे, ऐसा है, ठीक है। ये इसका सिस्टम है। और ये हो गया, देखिए फुल कनेक्टेड है, तो ये सिंबल है फुल कनेक्टेड है। जब टेस्ट में काम करेंगे ये जो कुछ इसमें, जब वो रैक आउट करेंगे ना, ये आरओएमआर जब टेस्ट पे आ जाएगा तब उसका आपको काम कर सकते हैं। अगर पूरा आउट करना है तो ये आरओएमआर इधर तक आने के तक आपको मालूम हो जाए ये लॉक से, इंटरलॉक से बाहर आ गया करके। और ये हो गया इसका रीसेट बटन, कुछ इनकेस कुछ प्रॉब्लम रहेगा, फॉल्ट रहेगा, ये जो है ये बाहर आ जाता है, आपको फिर इसको दबा के रीसेट करना होता है, ठीक है। इसका मेन पार्ट्स क्या है, इसका अंदर, इसका मेन पार्ट एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट है। जो पावर अप और डाउन होएगा तो मूविंग कॉन्टैक्ट उसको फिक्स कॉन्टैक्ट के पास ट्रांसफ़र करेगा, मतलब शिफ्ट मूविंग करेगा, ठीक है। और ये देखिए ये कितना कैपेसिटी, ये देखिए ये 1600 का एम्पियर का है कैपेसिटी, ये देखिए, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सारा इक्विपमेंट्स है जो कि हम इसका डिटेल्स में बात करेंगे। ये देखिए लॉक सिस्टम है, आपको अगर जब कोई काम कर रहा है आपको इसको खींच के यहाँ पर टीपी लॉक डाल सकते हैं, जो कि इसको लोटो कहा जाता है, जो कोई ऑपरेट ना कर पाए काम करेगी ना, ये सिस्टम इंटरलॉक सिस्टम दिया है, जो कि ये अगर ये करेगा ना, देख रहे हैं ये है सिस्टम। और ये रह गया, ये हो गया, ये हो गया आपका इंटरलॉक सिस्टम, उसको दबा के रखने का, ये रखिए, ओके। देखिए जो लोड में है मैं उसी को दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये लोड में है अभी, देखिए ये देखिए 400-500 एम्पीयर में है, ये इसका सेटिंग है, ये देखिए ऑन है पोजीशन, ठीक है। ये ऑलरेडी ब्रेकर चार्ज में है, ठीक है, ये फ्री है, इसलिए आपको ये थोड़ा नज़र रखना है का एसी बहुत बारीक चीज़ होता है, क्योंकि आपको कहीं गलती कर दिया तो शायद ये ब्रेकर का कुछ इशू भी हो सकता है, सो आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। इसका अंदर और भी कंपोनेंट्स है, ठीक है, यूबी रिले है, साउंड रिलीज है इसका अंदर कंपोनेंट, और स्प्रिंग चार्जर मोटर इधर लगा होता है इसका अंदर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पावर है इसको खोल नहीं सकते, जनरल नॉलेज के लिए आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए मेन सप्लाई अवेलेबल है, दिख रहा है, ठीक है, RYB दिख रहा है ना, ये है इम्पोर्टेंट पार्ट्स। Okay.